हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल अमीशा चैनल। और आज हम बनाते हैं मावे से सूखी मिठाई। इस बार ये देखते हैं हम क्या क्या डालते हैं। दोस्तों, ये घर में बना हुआ फ्रेश छेना है, एक कटोरी छेना है। इसे हम एक बाउल में डाल लेते हैं, एक कटोरी छेना। इसको अच्छी तरह ऐसे मैश कर देंगे। एकदम सॉफ्ट छेना है, इसे हम ताज़ी बनाए हैं। इसमें हम डालेंगे नारियल का पाउडर, एक कटोरी नारियल का पाउडर। नारियल का बोरा जो मार्केट में मिलती है वो है, इसमें मिला दी। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे ये काजू, पिसी हुई काजू। इसमें ये इलायची, तो इलायची का पाउडर करके बन रखे हैं। थोड़ी सी इलायची पाउडर खुशबू अच्छी आती है इसलिए। और उसमें शुगर पाउडर आधी कटोरी, मीठा होने के लिए, वो आपके टेस्ट के ऊपर है। इसे हम इसके साथ मिला देंगे। इसे हम अच्छी तरह मैश करेंगे। इसे अपने हाथों से अच्छी तरह से मिलाएंगे। इसे सूखी मिठाई होती है, इसे हम काफ़ी दिन तक रख के घर में खा सकते हैं और कम सामान में भी अच्छी तरह बनती है। ये खूब अच्छी तरह से इसे मैश कर लेंगे। इसे हम बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। छोटा पाउडर रहा करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए हम इसे एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे अपने हाथों की सहायता से। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसमें कुछ भी डालने की दरकार नहीं है, ना ही इसमें दूध डालना है, ना पाउडर शुगर डालना है और ना ही गैस पर बनाना है। ये तुरंत बनने वाली मिठाई है, बिना गैस में चढ़ाए इसे आसानी से बन जाती है। इसे मनचाहा आकार में, मनचाहा रंग में, मनचाहा डिज़ाइन में आप बना सकते हैं। ये आपके ऊपर है आप इसे किस तरह बनाएंगे। आज मैं इसे अपनी तरह से दिखाती हूँ, आप अपनी तरह से बनाइए। अभी अच्छी तरह से सम गई है। अब इसको दो भागों में बांट देंगे, दो हिस्सों में बांट देंगे, क्योंकि हमें कलर डालनी है इसलिए। ये देखिए दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा हम इस साइड रखेंगे और एक हिस्से में हम कलर मिलाएंगे। फ्रेंड, आपके मन चाहे कलर, जो भी आप कलर मिला सकते हैं। मैं इसमें ग्रीन कलर मिला रही हूँ, आपकी जो इच्छा है आप वो मिलाइए। ज़्यादा नहीं फ्रेंड्स, इतना कलर आ जाए। इस तरह का आपका कलर है, उस तरह का कलर इसमें आप डाल सकते हैं। गाढ़ा चाहिए तो आप ज़्यादा डाल दीजिए, कम चाहिए तो कम डालिए। अब इसे हम अपने हाथों की सहायता से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, देखने में ये सुंदर लगता है, उतना खाने में भी अच्छा लगता है। एक बार ट्राई आप ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, ताकि हम नए नए वीडियो आप लोग के लिए ला सकें। फिर इसमें बेलन की सहायता से इसे थोड़ा लंबा कर लेंगे, पतला करके लंबा कर लेंगे इस तरह से, ताकि एक साथ बन जाए। ताकि रोल करने में दिक्कत ना हो और टूटे भी ना, एक बराबर करके बराबर ऐसे करते हुए हम लोग एक आकार दे देंगे इसका। ठीक है, अब इसे हम एक साइड रखेंगे। इसी तरह हम वाइट का ही बनाएंगे। पहले पॉलीथीन लेंगे, उसमें हम ग्रीसिंग करेंगे और फिर उसमें हम वाइट वाला डो जो है उसको भी हम उसी तरह का शेप दे देंगे। ऐसे हमें थोड़ा सा लंबा में रखना है इस तरह का, लंबा सेप जाएगा, थोड़ा सा मोटा रहेगा उससे थोड़ा सा लंबा रहेगा। देखिए, अब इसको हम इसमें
अटैच कर देंगे। फिर से पकड़ा देंगे। इस तरह से फिर इसको हम मोड़ देंगे। फ्रेंड्स ये हो गई। अब इसको इस तरह से पॉलिथीन सहायता से दबाते हुए इसे हम इस तरह रोल करते जाएंगे, पॉलिथीन बढ़ाते जाएंगे। इस तरह से सब तरफ से बंद कर दिए। इस तरह से भी इधर से दबा देंगे और इधर से भी दबा देंगे। ऐसे हम फ्रिज में 1 घंटा सेट होने के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स इसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अभी बिल्कुल हार्ड हो गया है, ये देखिए कैसे ये हार्ड हो गया है। इस पर हम लोग अभी कट करेंगे और नाली का पाउडर लगा देंगे ऊपर से, देखने में सुंदर लगेगा। नाले पाउडर से डालने के बाद इसको फिर हम लोग कट करेंगे। इसे पतले पतले स्लाइस में इसे कट करेंगे बड़े चाकू से। इसे देखिए फ्रेंड्स ये हमने पतले पतले साइज में काट लिए हैं। आपको दिखाते हैं ये कैसे बने हैं। ये देखिए इसे हम लोग एक ट्रे में सजा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स कितने सुंदर लग रही है। एकदम बाजार वाली मिठाई लग रही है, कितने सुंदर। इसे हम एक तोड़ के दिखाते हैं आप लोगों को, इसका टेक्सचर कितना सुंदर है, ये सुंदर कलर है। कलर आपके ऊपर में, आप जो चाहे कलर डाल सकते हैं, जैसा मन चाहा कलर आप डाल सकते हैं इसमें और अपने बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए ताकि हम नए नए वीडियो आप लोगों को दिखाते रहें। लाइक करना शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। देखिए बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। बाय फ्रेंड्स।